आप सभी को जय येसु। ईश्वरवाणी के सभी दर्शकों, नो द होली वीक पवित्र सप्ताह को जानो इस प्रोग्राम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम विशेष रूप से पवित्र गुरुवार के रूप में मनाते हैं, जिसे हम इंग्लिश में मोंटी टेस्डे बताते हैं। इसे मैंने खजूर रविवार के त्योहार के बारे में बताया। होली वीक प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन, दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के बारे में मनन चिंतन करने का समय है। मोंटी टेस्डे या पवित्र गुरुवार कैथोलिक कलीसिया के विश्वास के एक बहुत बड़ा त्योहार है। इसे हम बड़े सम्मान के साथ, आदर के साथ मनाते हैं। ये विश्व बड़ा खुशी का त्योहार नहीं है, लेकिन विश्वास के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट त्योहारों में एक है मोंटी टेस्डे या पवित्र गुरुवार। मोंटी टेस्डे क्यों बताते हैं या पवित्र गुरुवार क्या है? पवित्र सप्ताह के सारे त्योहारों को प्रभु ईसा मसीह के जीवन की घटनाओं को लेकर आधारित त्योहार है। पवित्र गुरुवार का दो मर्म है, दो मुख्य बिंदुए हैं। ये है जिस प्रकार हमने देखा खजूर रविवार में प्रभु ईसा मसीह को एक राजा के रूप में लोगों ने अपनाया। अब उसके बाद महायाजक, वहां के नेता इनके खिलाफ काम करने लगे और लोगों को मालूम, उनको मालूम पड़ा कि इनको इस प्रकार राजा के रूप में उनको जाने देंगे तो ये हमारे लिए नुकसान करेंगे। इसलिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचता गया, जो ईसा मसीह अच्छे से शुरू से जानते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं जानते, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह इस घड़ी के लिए आए हैं, इस दुनिया को, हम सबको अपने पापों से मुक्त कराते हुए प्रभु ईश्वर के स्वर्ग राज्य की ओर ले जाना है। तो मुझे सफरिंग के साथ ही आगे बढ़ना है, उन्हें मालूम है, लेकिन लोगों को नहीं पता है। तो इस दुनिया में दुख भोग के पहले उन्होंने पास्का का भोजन में शिष्यों के साथ मिलते हैं, एक साथ मिलते हैं। पास्का भोजन या बेकमीर रोटी का भोजन, ये बाइबल के पुराने विधानों की एक बहुत बड़ा इंसिडेंट की ओर संकेत करता है, जो इसराइली लोग इसके बाद प्रभु के आदेश अनुसार, परम पावन प्रभु के आदेश अनुसार हर साल मनाते आते हैं। पास्का का पर्व क्या है? बाइबल में बताते हैं पास्का का पर्व उस घटना का अनुस्मरण है जहां इसराइली लोग शुरुआत में फिराउन के अंदर इजिप्त में गुलामी थे, सालों तक गुलाम थे। वहां से मुक्ति देने के लिए मूसा के नेतृत्व में फिराउन इब्राहिम मूसा के अहरोन के नेतृत्व में एक बड़े संख्या निकले, लेकिन इनको फिराउन, राजा फिराउन के पास लोग आके आते आते बताते थे, लेकिन वो मना करते हुए और कठोर होकर इन इसराइलियों के साथ बर्ताव करते थे। अब उसके बाद इन्होंने रो रो के प्रभु से मांगा, प्रार्थना की, प्रभु ने उन्हें आश्वासन दिया, उन्हें 10 सजाएं दी उस फिराउन के इसराइल यहूदियों को, मिस्रियों को, और उसमें से आखिरी वाला 10वां सजा था कि उनके सबके पहलौठों को मारना, और उनके सबसे पहलौठों को मारा तो उसके बाद फिराउन ने, राजा फिराउन ने इसराइली लोगों को वहां से गुलामी से भाग निकलने के लिए भेजने को तैयार हो गए। उसके याद में प्रभु ने अपना शक्तिशाली हाथ इन लोगों पर तरस खाया, उसको देखते हुए पास्का का भोजन मनाते थे। उत्पत्ति ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ में पास्का का भोजन का वर्णन किया गया है। इस प्रभु ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह तुम्हारे लिए आदि मास होगा, इसे तुम वर्ष का पहला महीना मान लो। इसराइल के सारे समुदाय को यह आदेश दो, इसी महीने के 10वें दिन हर एक परिवार एक एक मेमना तैयार रखेगा। यदि मेमना खाने के लिए किसी परिवार में कम लोग हो तो जरूरत के अनुसार
पास वाले घर से लोगों को बुलाओ। खाने वाले की संख्या निश्चित करने में हर एक को के खाने की रुचि का ध्यान रखो। उसने मेमने का कोई दोष ना हो, वह नर हो और एक साल का, वह भेड़ा हो अथवा बकरा। महीने के 10वें दिन तक उसे रख लो। शाम को सब इसराइली उसका वध करेंगे। जिन घरों में मेमना खाया जाएगा, दरवाजों की चौखट पर उसका लहू पोता दिया जाए। उसी रात बेखमीर रोटी और खडवे साग के साथ मेमने का भुना हुआ मांस खाया जाएगा। इसमें से कच्चा या उबला हुआ कुछ मत खाओ, बल्कि सिर, पैर और आंतड़ियों के साथ पूरे को आग में भूनकर खाओ। अगले दिन के लिए कुछ भी नहीं रखना। तुम लोग चप्पल पहनकर कमर कसकर हाथ में डंडा लिए खाओगे। तुम जल्दी जल्दी खाओगे, क्योंकि यह प्रभु का पास्का है। उसी रात में प्रभु मिस्र देश का परिभ्रमण करूंगा। मिस्र देश में मनुष्यों और पशुओं के सभी पहलौठों को के बच्चों को मार डालूंगा और मिस्र के सभी देवताओं को भी दंड दूंगा। और इस प्रकार प्रभु ने इसराइली लोगों को मिस्र देश में से उनकी गुलामी से मुक्त किया। तो इसराइली लोग हर साल पास्का का दिन मनाते हैं। पास्का के पर्व में लोग अपने पापों से मुक्त कराने के लिए क्या करते हैं? मेमने, जो हम भेड़ कहते हैं, उसको लाकर उनके ऊपर हाथ देखते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसको काटते हैं। और उसके जो जो पुराने विधानों में खून पवित्र माना जाता है, और उस खून से लोगों के पापों की मुक्ति की जाती थी। ईसा मसीह ईश्वर द्वारा भेजा गया ईश्वर का मेमना है, जो संसार के पापों को हरने वाला है। प्रभु ईसा मसीह को एक मेमने के तरह खुद मार दिया जाना जरूरी है, और उनके पवित्र लहू से लोगों को मुक्ति मिलेगी। यही नए विधान का सारा मर्म है। प्रभु ईसा मसीह इसको जानते थे, इसी के इस घड़ी के लिए तो आए थे। तो इसी लक्ष्य में पवित्र गुरुवार में प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ भोजन के लिए बैठते हैं। पवित्र गुरुवार दो बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। पहला, दूसरे लोगों के विपरीत प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के पैर धोते हैं, और दूसरा, परम प्रसाद की स्थापना करते हैं। परम प्रसाद की स्थापना के पहले प्रभु ईसा मसीह पास्का के दिन संत योहन के सुसमाचार या संत मत्ती के सुसमाचार में इसका वर्णन किया है। पास्का पर्व का पूर्व दिन था, ईसा जानते थे कि मेरी घड़ी आ गई है। उनको मालूम है कि उनका समय आया है और मुझे इस संसार को छोड़कर पिता के पास जाना है। वे अपनों को जो इस संसार में थे प्यार करते आए थे, और अब अपने प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण देने वाले थे। शैतान ब्यारी के समय तक सिमोन इस्करियोती के पुत्र यूदास के मन में ईसा को पकड़वाने का विचार उत्पन्न कर चुका था। ईसा जानते थे कि पिता ने मेरे हाथों में सब कुछ दे दिया है, मैं ईश्वर के यहाँ से आया हूँ और ईश्वर के पास जा रहा हूँ। उन्होंने भोजन पर से उठकर अपने कपड़े उतारे। भोजन भर से उठकर पास्का के जो भोजन जो हर साल अपने मनाते हैं, प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों के साथ मनाते हैं, और कमर में अंगोचा बांध लिया, जो मुख्य जो मेन कपड़ा है वो निकाल कर अंगोचा बांधते हैं, शरीर में अंगोचा बांधते हैं। तब वे परात में पानी भरकर कटोरी में पानी लेते हैं, बड़े कटोरी में पानी लेते हैं, अपने शिष्यों के पैर धोने और कमर में बंधे अंगोचों से उन्होंने पोछने लगे। मैं आपको याद दिला दूं, उब्राने जमाने में इसराइली लोगों के बीच में वहां का प्रथा यह था कि
रेत है, जब रेगिस्तान है वहां, तो रेगिस्तान से जो घर में आने वाले उनके पैरों में बहुत धूल पड़े हैं, रेत पड़े हुए, तो आने वाले घर आने वाले मेहमानों का पैर धोने का काम वहां का गुलामी का गुलाम करते थे, सर्वेंट्स या जो गुलाम जो है वो आके शिष्य उनके जो जो मेहमान आते उनको वहां घर के सामने पानी रखे और पानी से उनका पैर धोना उनका काम था। प्रभु ईसा मसीह गुरु होने के बाद, उनके नेता होने के बाद, उनके सब कुछ होने के बाद अपने शिष्यों का पैर देते हैं, धोते हैं। दुनिया में सबसे बड़ा एक विनम्रता का सबसे बड़ा एक नमूना देते हैं। शिष्य लोग चकित हो गए, कुछ लोग बिल्कुल बोल भी नहीं पाया। 12 शिष्यों में से नेता जो पेत्रुस जो कहलाते हैं, जो पेत्रुस जो उसको जो सिमोन पेत्रुस, जब वो सिमोन पेत्रुस के पास पहुंचे तो पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु आप मेरे पैर धोए थे? ईसा ने उत्तर दिया, तुम अभी नहीं समझते कि मैं क्या कर रहा हूं, बाद में समझोगे। पेत्रुस ने कहा, मैं आपको अपने पैर कभी धोने नहीं दूंगा। ईसा ने उसे कहा, यदि मैं तुम्हारे पैर नहीं धोऊंगा तो तुम्हारा मेरे साथ कोई संबंध नहीं रह जाएगा। इस पर सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, प्रभु तो मेरे पैर ही नहीं, मेरे हाथ सिर भी धोइए। ईसा ने उत्तर दिया, जो स्नान कर चुका है उससे पैर के सिवा और कुछ धोने की जरूरत नहीं है, वह पूर्ण रूप से शुद्ध है। तुम लोग शुद्ध हो किंतु सबके सब नहीं। वे जानते थे कि कौन मेरे साथ विश्वासघात करेगा, इसलिए उन्होंने कहा, तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। उनके पैर धोने के बाद वे अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गए और उनसे बोलने लगे, क्या तुम लोग समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसलिए यदि मैं तुम्हारे प्रभु और गुरु ने तुम्हारे पैर धोए हैं तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोना चाहिए। दुनिया में हिस्टोरिक चेंज। कैथोलिक कलीसिया या कलीसिया के विश्वास, क्रिस्तीय विश्वास का एक मर्म प्रधान संदेश देते हैं, यदि मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु होने के बावजूद मैंने तुम्हारे पैर धोए जो एक गुलाम का एक सर्वेंट का काम था, तो तुम भी एक दूसरे का पैर दे दो। विनम्रता का, ह्यूमिलिटी का, सिंपलिसिटी का सबसे बड़ा नमूना देते हुए प्रभु ईसा मसीह एक हमारे लिए एक संदेश देते हैं पास्का के बारे में। सबसे आज के पवित्र दिन का एक सबसे पहला कर्म वही है जो प्रभु ईसा मसीह अपने शिष्यों को पैर धोते हैं, उसका आचरण हम करते हैं। आज सारे गिरिजाघरों में शिष्यों के पैर धोने की परंपरा है। शायद मुझे नहीं लगता कि दूसरे कोई भी धर्म में हो, आज संत रोम में संत पापा से लेकर हर गिरिजाघरों में एक पुरोहित ईसाई समुदाय के या कहीं ना कहीं बाहर के लोगों के पैर धोते हैं और उसके अंगोचे से उनका पैर साफ करते हैं और उसमें किस कर उनके पैरों को किस करते हैं। ये बताते हैं कि कलीसिया में सब बराबर हैं, जितना तुम बड़े हो तुम उतना विनम्रता के साथ उतना लोगों को लेकर चलो। प्रभु ईसा मसीह ने हमें ये संदेश दिया और हम देखते हैं इस घटना के बाद शिष्य लोग पास्का के भोजन में बैठे और बहुत सारे लोग दुखी थे, वो बोल नहीं पाते थे कि हम क्या बोलें प्रभु से। उस वक्त जिस प्रकार मैंने बोला कि पुराने विधान में पास्का का पर्व मनाते थे बेकमरी रोटी, उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली जो बेखमीर है, पर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसमें विशेष रूप से प्रार्थना किया जाता है उसके बाद उसे तोड़ा और ये कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है।
तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूं, जब तक मैं अपने पिता के राज में तुम्हारे साथ नवीन रस न पी लूं, तब तक मैं दाग का रस फिर नहीं पीऊंगा। प्रभु ईसा मसीह अपने शरीर और रक्त हमारे लिए देते हैं, जो कलीसिया पूरे आस्था के साथ, पूरे के पूरे आस्था के साथ, आज भी विश्वास के साथ परम पवित्र मिसा मिलता परम प्रसाद में की में विश्वास करते हैं, उस वही परम प्रसाद की स्थापना आज प्रभु ने की। इसलिए पवित्र गुरुवार अति महत्वपूर्ण है। हम विश्वास करते हैं प्रभु ईसा मसीह, जिस प्रकार लोगों को विश्वास, जो बेकमी रोटी और पास्का का पर्व में लोग एक मेमने को बलि चढ़ाया जाता था, उसके खून से उनके उनके शरीर खाने से, उनके रक्त से लोगों की मुक्ति मिलती थी, वही जीवंत प्रभु के मेमना जो अभी आने वाले दिनों में मरने वाले हैं, मारने वाले हैं, उनके लहू से इस दुनिया से निकलने से पहले उन्होंने रोटी लेकर बोला, सब लोग ले लो, ये मेरा शरीर है। प्याला लिया और बोला कि तुम सब पी लो, ये मेरा रक्त है। प्यारे दर्शकों, क्रिस्तीय विश्वास का सबसे बड़ा मर्म केंद्र है यह परम प्रसाद। आज भी कलीसिया में हम विश्वास करते हैं एक परम प्रसाद की रोटी, जो विशेष रूप से पवित्र मिसा बलिदान की प्रार्थना में पुरोहितों द्वारा प्रार्थना की जाती है, वो प्रभु ईसा मसीह के जीवंत शरीर और रक्त बन जाता है। उसमें कोई संदेह नहीं है। चमत्कारों की चमत्कार आज भी होते हैं, परम प्रसाद की आराधना की जाती है। इसलिए हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि जहां जहां कैथोलिक कलीसिया में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं, तो परम प्रसाद जो रोटी के जो टुकड़े हैं वो परम प्रसाद बोलते हैं, वो परम प्रसाद की आराधना की जाती है, जहां हम विश्वास करते हैं प्रभु ईसा मसीह सचमुच में अपने शरीर हमारे लिए दिया है, जो पीड़ा सहन के लिए, जो हम शुक्रवार में देखेंगे किस प्रकार का दारुण मृत्यु उनको हुआ, किस प्रकार का दुख तकलीफों को उनको सामना करना पड़ा। तो कहने का तात्पर्य यह है, पवित्र गुरुवार मोंडी तेस्दे हमारे सामने दो तत्वों को लेके आते हैं, शिष्यों को पैर देते हुए हमारे लिए एक नई आज्ञा, जिस प्रकार मैं तुम्हारा गुरु और प्रभु होने के बावजूद यदि तुम्हारा पैर धोया है, तुम भी एक दूसरे से किया करो। हमने देखा बाइबल में देखा था, जब पेत्रुस सिमोन पेत्रुस के पास आए थे पैर धोने के लिए, तो ईसा को उसने रोका, नहीं दूंगा, मैं करने नहीं दूंगा। उन्होंने कहा था, अभी तुम इस मैं क्या कर रहा हूं उसके बारे में तुम जानते नहीं है, यदि तुम मेरे साथ मुझे ये अलाउ नहीं करोगे, तुम मेरे साथ नहीं हो। पेत्रुस ने कहा था, नहीं, मैं आपका हमेशा आपके साथ हूं, यदि आप ऐसा कहते हो मेरा पूरा शरीर धो लो, नहीं, पूरे शरीर धोने की जरूरत नहीं। आगे आप देखते हैं प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु के बाद, पुनरुत्थान के बाद, पेंटेकोस्टल इवेंट के बाद, वही पेत्रुस है जो कलीसिया पूरी दुनिया में जिसके बारे में प्रभु ईसा मसीह के बारे में सारी दुनिया को बताया, विश्वासी गण बढ़ते बढ़ते गए, अंत में पेत्रुस को पकड़ा गया, उनको भी मृत्यु दंड की रोम में, जो आज कैथोलिक कलीसिया के पोप जो हैं उनके ऑर्डर में आता है। ईसा के 12 शिष्यों के जो प्रमुख था पेत्रुस, उस पेत्रुस के अनुयायी के रूप में पोप आता है, रोम में उसको पकड़ा गया, उसको मारने के लिए मृत्यु दंड की आज्ञा दी गई और उनको भी क्रूस पर मारने के लिए बताया गया। वही पेत्रुस जो अपने ईसा प्रभु ईसा को से बोला कि मैं आपको पैर धोने नहीं दूंगा,
वही पत्रुस, उन्होंने कहा यदि आप मुझे क्रूस पर मरने के लिए आज्ञा दे जाती हैं, मैं खुशी को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे उल्टा गाड़ देना, मेरा सिर नीचे कर देना, क्योंकि मैं मेरे प्रभु के समान नहीं हो सकता, मेरे प्रभु के सामने में मैं बिल्कुल ना हूं। विनम्रता का भाव शिष्यों में आते हैं। आज विशेष रूप से सभी पुरोहितों के लिए भी प्रार्थना करने का समय है प्यारे भाइयों, क्योंकि आज पुरोहिताई का भी दिन है। परम प्रसाद और पवित्र मिसा बलिदान के साथ पुरोहिताई प्रीस्टहुड की शुरुआत हुई है। आइए हम विशेष रूप से तमाम कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, सारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें जो इस दुनिया में एक विश्वास की लहरों को लेकर चलते हैं। हम विशेष रूप से कैथोलिक कलीसिया सारे लोगों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करें, सभी पुरोहितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें जो ईसा मसीह के आदेशों को पालन करते हुए एक दूसरे को प्यार करने का नमूना दिखाते हुए वो भी आगे ले चले, और कलीसिया के जो प्रॉब्लम्स आज कलीसिया के खिलाफ जो अंधकार की शक्तियों को जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको उनको उनका सामना करने के लिए ईश्वर उनको अनुग्रह दे। मैं आप सबको मोंटी टेस्डे के दिन में, पवित्र गुरुवार के दिन में विशेष रूप से ईश्वरवाणी के सारे दर्शकों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करेंगे। आज विशेष रूप से सभी गिरिजाघरों में पवित्र परमसाद की आराधना होती है, दिन रात प्रार्थना होती है। मैं सभी दर्शकों को प्रभु के चरणों में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूँ, और आप सबों को आपके जीवन में ईश्वर की कृपा मिले इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ।